कमी ऐकायला येत होतं. आता 3 वर्ष झाले, 3-4. याचं व्यवस्थित काही सांगितलं नाही. औषध वगैरे दिले होते त्यांनी, पुण्याच्या डॉक्टरनी पण होमिओपॅथिकचे औषधं दिले होते, पण ते मी फक्त 1 महिना घेतलं. नंतर हे लॉकडाऊन चालू झालं त्यामुळे मी गेले नाही. त्याच्याने काही फरक वाटला नाही मला. आम्ही मोबाईलमध्ये तुमच्या सॅनिटायझर अच्छा लागले. आता टेन्शनच होतं. त्यांचा अर्थ होता की 2 तासा अगोदर किती ऐकायला येत होतं, आता किती ऐकायला. असं चांगलं वाटलं. सुखदेव गुजर नाही म्हणजे तो अभि ये जो अभी 2-2.5 घंटे का जो आपने ट्रीटमेंट दिया, इसमें मुझे समाधान हुआ. समाधान हाँ, मुझे ऐसा लग रहा कि अभी ये 6 महीने की गोलियाँ लेने के बाद में शायद ये प्रॉब्लम निकल जाएगा. नहीं, मैं तो बोलता हूँ ना कि अगर ये प्रॉब्लम है तो यहाँ ना तो ऑपरेशन होता है, ना कोई चीरफाड़ होती है. सिर्फ दवाई से और चर्चा करने से बहुत सारा इफेक्ट आपके दिल पे, दिमाग पे उसका असर भी होता है और दवाई अपना काम कर रही है. नशी सुख जाने से आए हुए कान के तमाम प्रकार के बहरेपन को अब बिना मशीन, बिना ऑपरेशन की सुनवाने की क्षमताओं को बढ़ाने के स्पेशल शिविर कर्ण दोष निवारण केंद्र भी लगाए जा रहे हैं. कम सुनने वाले, न सुनने वाले और जन्म के बहरे मुंह सभी के लिए वरदान रूप सिद्ध हुई है.